तो मूवी के शुरू में हम एक फिशिंग बोट को देखते हैं जो समुद्री तूफान में फंसी हुई है। इसका ओनर है एंटोनियो, जो मदद के लिए रेडियो करता है कि उसकी बोट पर एक इमरजेंसी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पता चलता है कि बोट पर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी उसके साथ है, जो किसी भी वक्त लेबर में जाने वाली है। एंटोनियो भी जानता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कुछ सोचकर वो बोट को वहीं रोक देता है। वो अपनी वाइफ को एक लॉकेट देता है और माफी मांगता है कि मुझे इस कंडीशन में तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इस पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि डिलीवरी के दौरान उसकी वाइफ की मौत हो जाती है और एंटोनियो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। आगे का सीन कुछ साल बाद का है, जहां हम एंटोनियो के बेटे नहुल को देखते हैं। नहुल अब 12 साल का हो चुका है, लेकिन एक फिशरमैन का बेटा होने के बावजूद वो समुद्र में जाने से बहुत डरता है। तभी उसे अपने डैड की बोट दिखाई देती है और उसे याद आता है कि उन्होंने उसे पोर्ट पर बुलाया था ताकि शिप अनलोड करने में उनकी मदद कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाए, वहाँ दो लड़के आ जाते हैं जो हमेशा उसे बुली किया करते थे। वो लोग जबरदस्ती उसे एक बोट में फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहुल किसी तरह उनसे बच निकलता है और उल्टा वो लड़के ही नीचे पानी में गिर जाते हैं। फिर नहुल भागकर पोर्ट तक आता है और देखता है कि उसके डैड ने शिप को ऑलरेडी अनलोड कर लिया है। एंटोनियो उस पर बहुत नाराज होता है कि जब से तुम पैदा हुए हो तब से मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं आई और आगे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। फिर वो नहुल को कुछ पैसे देता है ताकि मार्केट से वो एग खरीद कर ला सके और खुद एक बार फिर फिशिंग पर निकल जाता है। आगे हम नहुल को मार्केट में देखते हैं, जहां एग खरीदते वक्त उसकी नजर पास ही बैठी एक लेडी पर जाती है जो वहां कुछ तलिस्मान बेच रही थी। नहुल उससे ऐसी आइटम के बारे में पूछता है जो उसके अंदर के डर को दूर कर सके, लेकिन वो लेडी कहती है कि ये तो तुम्हें किसी विच से ही मिल सकता है। नहुल एग लेकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना उन लड़कों से होता है जो बीच पर उसे बुली कर रहे थे। वो उनसे बचकर भागने लगता है और इसी चक्कर में उसके सारे एग्स टूट जाते हैं और वो उदास होकर एक बस स्टैंड पर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक ब्लैक कैट आती है और नहुल की कीज उठाकर अपने साथ ले जाती है। उसका पीछा करते हुए वो एक पुराने मैंशन तक आता है जो सालों से बंद पड़ा हुआ था और वो डरते हुए एक टूटी खिड़की से उसके अंदर चला जाता है। कैट उसे लेकर एक लाइब्रेरी तक आती है जहां मैजिक से रिलेटेड कुछ बुक्स रखी हुई हैं। वहां वो किसी तरह अपनी की को वापस हासिल करता है और देखता है कि सामने पड़ी एक बुक चमक रही है। उसे खोलने पर पता चलता है कि ये एक मैजिक स्पेल्स की बुक है जिसे विजर्ड की दुनिया में सबसे पावरफुल माना गया है और ये जिसके भी हाथ लगेगी वो इस दुनिया पर राज कर सकता है। मैजिक काउंसिल इसे बुरे विजर्ड के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी और इसीलिए उनका एक गार्डियन इस बुक की रक्षा करता है। नहुल देखता है कि बुक में एक स्पेल ब्रेव बनने का भी है और तभी वहाँ बुक का गार्डियन आ जाता है जिसे किसी के आने का शक हो गया था। वो अपने मैजिक से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मिरर के पीछे होने के कारण मैजिक स्पेल उसे नहीं ढूंढ पाता और नहुल किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कुछ क्रोज ने उस पर नजर रखी हुई है और वो ये बात अपने मास्टर को बताने जाते हैं जो टाउन के बाहर एक सुनसान आईलैंड पर रहता है। वहाँ उन क्रोज की लीडर एक लड़की में बदल जाती है जिसका नाम राइकन है और पता चलता है कि उसका मास्टर कालकू नाम का एक पुराना विजर्ड है जो काफी टाइम से उस बुक को हासिल करना चाहता है। कालकू ये सुनकर बहुत खुश होता है कि वो बुक फाइनली उस गार्डियन से दूर हो गई है और वो राइकन को नहुल पर नजर रखने को बोलता है ताकि टाइम आने पर उससे वो बुक चुराई जा सके और इससे वो दुनिया का सबसे बड़ा विजर्ड बन जाएगा। उधर नहुल को घर पर बहुत डांट पड़ती है कि एक तो आज वो स्कूल नहीं गया और ना ही अपने डैड के लिए एग्स लेकर आया। उसके डैड कहते हैं कि आज तुमने सारी हद पार कर दी है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी के घर छोड़ाऊंगा। नहुल उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते और उसे अपने रूम में जाने को बोलते हैं। वहाँ नहुल उस बुक को चेक करता है और देखता है कि उसकी स्पेल से एक इंसेक्ट बहुत बड़ा बन गया है। वो समझ जाता है कि ये एक मैजिकल बुक है और उसमें लिखी उस ब्रेव स्पेल को आजमाने की सोचता है ताकि अपने समुद्र के डर को दूर कर सके। सुबह हम उसके डैड को फिशिंग पर जाते हुए देखते हैं और तभी वहाँ नहुल आ जाता है और कहता है कि आज मैं भी आपके साथ फिशिंग पर जाऊंगा। उसके डैड को ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि वो उसकी मैजिक बुक के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आगे एंटोनियो उसे फिशिंग करना सिखाता है और ऐसा लगता है जैसे उन दोनों के रिलेशन नॉर्मल हो रहे हैं। कैबिन में वो अपने पेरेंट्स की एक फोटो देखता है और पूछता है कि क्या मॉम भी आपके साथ फिशिंग करने आती थी।
उसके डैडी सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब दे पाए वहाँ मौसम बिगड़ने लगता है और वो देखते हैं कि शिप के आसपास कुछ क्रोज आ गए हैं। वो शिप को वापस पोर्ट पर ले जाने की सोचते हैं, लेकिन अचानक से उनके इंजन बंद हो जाते हैं। पता चलता है कि ये सब कालकू की ही चाल है, जो अपने ब्लैक मैजिक से उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि क्रॉस के थ्रू उस मैजिकल बुक को चुरा सके, लेकिन नहुल उन्हें ऐसा नहीं करने देता। एंटोनियो मदद के लिए एक फ्लेयर चलाता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी लहर उनके शिप को पलट देती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। होश आने पर नहुल खुद को एक हट में पाता है, जो असल में हुमा नाम की एक विच की है और वो वहाँ अपनी असिस्टेंट फ्रिया के साथ रहती है। हुमा नहुल को बताती है कि कैसे वो उन्हें एक बीच पर मिला था और उस पर एक शैतान विजर्ड ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तभी नहुल को अपने डैड का ख्याल आता है और हुमा मैजिक से देखती है कि वो तो इस वक्त कालकू के कब्जे में है। नहुल ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी तरह उन्हें कालकू से बचाना ही होगा। तभी उनके हट के बाहर कुछ क्रोज आ जाते हैं और हुमा नहुल से कहती है कि तुम्हें इस बुक को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इसी से तुम्हारे डैड की जान बच सकती है। फिर वो फ्रिया से उसे एक सीक्रेट जगह ले जाने को बोलती है, जहां उसे कालकू की लोकेशन पता चल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाए, रायकनहट तक पहुंच जाती है। वहीं उसे छुपा हुआ नहुल नजर आता है, लेकिन हुमा स्मोक करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और फ्रिया नहुल को लेकर भाग निकलती है। रायकन उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन हुमा उसे ऐसा नहीं करने देती और रायकन को डर कर वहां से भागना पड़ता है। उधर नहुल और फ्रिया एक जगह आराम करने लगते हैं, तभी एक बिग मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाए, एक बड़ा सा डॉग आकर उस मॉन्स्टर को भगा देता है। डॉग पूछता है कि तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो, और नहुल उसे बोलते देख बहुत हैरान होता है। फ्रिया उस डॉग को पहचान जाती है कि इसका नाम रूडी है और बताती है कि मैं इसकी स्टोरी सुन चुकी हूँ कि कैसे ये अपनी वाइफ के साथ घूमने आया था, लेकिन फिर इनका सामना कालकू से हो गया, जिसने इसकी वाइफ को मारकर इसे डॉग बना दिया और तब से ये इसी जंगल में भटक रहा है। नहुल भी उसे अपने डैड के बारे में बताता है और रूडी कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना हम मिलकर उसे ढूंढें। फिर फ्रिया उन्हें एक कैफे तक लेकर आती है, जहाँ का मालिक टोनी उसे पहले से जानता था, और नहुल उससे कालकू की लोकेशन के बारे में पूछता है। टोनी उसे कॉर्नर में बैठे एक आदमी की ओर इशारा करता है और कहता है कि ट्रॉय एक पुराना मैजिशियन है और शायद वो इसमें तुम्हारी मदद कर पाए, लेकिन हम देखते हैं कि ट्रॉय तो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये बच्चा भला कालकू को कैसे हरा पाएगा। बाकी लोग भी ये सुनकर हंसने लगते हैं और तब नहुल उन्हें वो मैजिकल बुक दिखाता है, जिसे देखकर सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तभी साइमन नाम का एक दूसरा विजर्ड सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कालकू की लोकेशन बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक गेम खेलनी होगी और अगर तुम हार गए तो ये मैजिकल बुक मेरी हो जाएगी। फ्रिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन नहुल को लगता है कि अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। साइमन उससे कुछ पजल्स पूछता है जो कहीं ना कहीं नहुल की लाइफ से जुड़ी हुई थी, और वो भी किसी तरह उनके सही जवाब दे देता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और साइमन वादे के अकॉर्डिंग उन्हें लोकेशन बताता है कि कालकू पास ही बने एक सुनसान आइलैंड पर है। उस रात फ्रिया एक सपना देखती है, जहाँ समुद्र ने पूरे टाउन को नष्ट कर दिया है और वो देखती है कि इन सब के पीछे कालकू का हाथ है, जो समुद्र के एक प्राचीन देवता को कंट्रोल करने वाला है। वो ये बात नहुल को बताना चाहती है, लेकिन देखती है कि वो तो पहले से ही परेशान है, क्योंकि उस मैजिक बुक को किसी ने चुरा लिया है। नहुल उसे ट्रॉय का मफलर दिखाता है और कहता है कि ये जरूर उसी का काम है और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। फ्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है कि हमें उस बुक के बजाय कालकू को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो पूरे टाउन पर खतरा बनने वाला है, लेकिन नहुल उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि बिना बुक के वो ब्रेव नहीं बन पाएगा। फ्रिया रूडी को उसके साथ जाने को बोलती है और बताती है कि मैं तुम्हें कालकू के आइलैंड के पास मिलूंगी। आगे हम नहुल को ट्रॉय के घर देखते हैं, लेकिन उन्हें वो मैजिक बुक कहीं नहीं मिलती और तभी वहाँ ट्रॉय आ जाता है। नहुल उसे उसका मफलर दिखाता है, लेकिन ट्रॉय कहता है कि ये तो कल रात कैफे में चोरी हो गया था। रूडी ट्रॉय को स्मेल करके देखता है और कहता है कि मफलर की स्मेल इससे बिल्कुल अलग है। अगले सीन से पता चलता है कि बुक को कैफे के मालिक टोनी ने चुराया था, जिसे वो अपनी जान बचाने के बदले कालकू को सौंप देता है, और कालकू कहता है कि अब समुद्र के देवता को आने से कोई नहीं रोक सकता। इधर नहुल बुक के खोने से बहुत उदास होता है कि अब वो अपने डैड को कभी नहीं बचा पाएगा। तब ट्रॉय उसे समझाता है कि असली हिम्मत तो हमारे दिल में होती है और तुम्हें बस उसे बाहर निकालना होगा।
फिर वो नाहुल को एक सूप बनाकर देता है और कहता है कि अब तुम्हें अपनी मॉम को याद करना होगा। नाहुल भी ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि वो सपने में अपनी मॉम के साथ है। उसकी मॉम उसे अपना लॉकेट देती है और कहती है कि अब से तुम कभी अकेले नहीं होगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जागने पर नाहुल अपने लॉकेट को चेक करता है और हम देखते हैं कि उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया है और वो रूडी को लेकर आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। जल्दी ही वो लोग फ्रेया से मिलते हैं जो उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है कि हमें किसी भी तरह कालकू को रोकना ही होगा। वो एक बोट के थ्रू उसके आइलैंड तक आते हैं लेकिन देखते हैं कि उनके सामने रायगन खड़ी है। रूडी उसे देखकर चौंक जाता है और पता चलता है कि रायगन ही उसकी खोई हुई वाइफ है जिसे वो इतने टाइम से मरा हुआ समझ रहा था। लेकिन रायगन अभी भी कालकू के स्पेल में कैद थी और अपने क्रोस को लेकर उन पर अटैक कर देती है। फ्रेया नाहुल से आगे बढ़ने को बोलती है ताकि वो जाकर अपने डैड को ढूंढ सके और नाहुल भी उसकी बात मानकर निकल जाता है। वहाँ अंदर एक रूम में उसे अपने डैड की आवाज़ आती है और वो देखता है कि ये तो वहाँ लगे पाइप से आ रही है। उन्हें फॉलो करता हुआ वो ऊपर चढ़ने लगता है और फाइनली अपने डैड तक पहुँच जाता है लेकिन देखता है कि वो तो कालकू के वश में है और वो नाहुल को मारने की कोशिश करते हैं। तभी एंटोनियो की नज़र उसके लॉकेट पर पड़ती है जिसमें उसकी और उसके वाइफ की फोटो लगी हुई है और ये देखकर वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है। एंटोनियो उसे यहाँ से निकलने को बोलता है लेकिन नाहुल कहता है कि ये सब उसी की गलती से हुआ है और वो कालकू को रोके बिना नहीं जाएगा। वो दोनों उसे ढूंढते हुए एक लाइट हाउस तक आते हैं जहाँ कालकू सी कोर्ट को समन कर रहा है। नाहुल उसे ये सब बंद करने को बोलता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सी कोर्ट पानी से बाहर आ जाता है। कालकू बुक की मदद से उसे कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। तभी उनकी मदद करने फ्रेया वहाँ आती है लेकिन कालकू अपने मैजिक से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे सी गोट का खाना बनने वाली हो। तभी नाहुल की नज़र एक लाइट स्विच पर जाती है और वो अपने डैड की मदद से उसे ऑन कर देता है। लाइट की चमक से सी गोट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बुक भी कालकू के हाथ से छूट जाती है। इससे उसके सारे स्पेल टूट जाते हैं और सी गोट उसे और उस बुक को निगल जाता है। टावर के टूटने से फ्रेया नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि नाहुल ने सारे डर भुलाकर पानी में छलांग लगा दी है लेकिन वो फ्रेया को बाहर नहीं खींच पाता और वो दोनों गहरे पानी में अंदर जाने लगते हैं। तभी उनके नीचे वो सी गोट आता है और अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें बाहर ले आता है। वो सब उस सी गोट का शुक्रिया अदा करते हैं और सी गोट भी वापस समुद्र में चला जाता है। तभी वो एक लड़का लड़की को आते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये दो रूडी और रायकन हैं जो कालकू के मरते ही अपने रूप में वापस आ गए हैं। एंड सीन में हम उन सबको पिकनिक करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।